Beats. Yeah. आज क्या हाल चाल आपके? बढ़िया, आप बताओ कैसे? जबरदस्त है भाई। तो आज काफी टाइम के बाद फिर से आया, कुछ नया धमाका, नया लॉन्चिंग वॉन्चिंग चल रहा है, क्या हो रहा है आजकल? हीरा 4 प्रो जो है मेरे राइट साइड में पड़ा हुआ है, कुछ अलग नए मॉडल के साथ आया है, नई लुक के साथ। जी हाँ, थोड़ी सी लुक चेंज कर दी है, मतलब लाइट्स जो है वो मैंने खत्म कर दी है, क्योंकि पर्सनली इससे एक प्रीमियम लुक निकल के आ रही है, प्रीमियम लुक निकल के आ रही है। और कुछ लोग कह रहे थे कि लाइट्स जो है इसमें नहीं होनी चाहिए थी, तो लाइट्स हटा दी हैं। रिंग देखिए आप, बहुत प्रीमियम कर दी है यहाँ पर, ये तो काफी चेंजेस के साथ जो है, मतलब आउटलुक की मैं बात करूँ, आउटलुक की जो है बिल्कुल। तो अभी हमारे पास छोटे से लेके बड़े मॉडल तक हीरा 4 प्रो है। जी हाँ, तो स्टार्टिंग में क्या देखने वाले, क्या देखने स्टार्टिंग वाले में मैं आपको सबसे पहले तो दिखा देता हूँ। वैसे कितने से स्टार्टिंग हो जाती है अपने पास स्टिकर की? 499 से स्टार्ट होता है, 499 रुपए से स्टार्ट हो जाता है अपने पास स्टिकर जो है, 499 रुपए का ये देखिए। बाकी इसको मेरी वेबसाइट से आप खरीद सकते हैं, जो कि मेरी flowbits.in है, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, वहाँ से ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं, पाजी की जो वेबसाइट है वहाँ से जाके। इसके बाद हमारे पास अपर मॉडल में काफी कुछ होने वाला है। अपर मॉडल में 2000 रुपए से टावर स्पीकर स्टार्ट होते हैं। 2000 वाला जो हमारा है वो बेसिक मॉडल है हमारे लिए, पर एक चीज बता दूं, उसके अंदर भी आपको जो है 4 IC के अंदर वो सिस्टम मिलता है, 3 IC में नहीं मिलता। और बात करें उस मॉडल की, तो FVS05 उसका नाम है, मेरी वेबसाइट पे, वहाँ से जाके। अच्छा, वो भी वेबसाइट पे परचेजिंग कर सकते हैं। मेरे नंबर है स्क्रीन के ऊपर, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, नंबर से कर लो या फिर वेबसाइट से, दोनों ऑप्शन आपके पास है। इसके भाई अपने पास नेक्स्ट क्या होने वाला है? बाकी नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ देखिए, ये जो है आपका 017 मॉडल जो है, 017 मॉडल है। जी हाँ, ये सिंगल टावर में पाया, ये सिंगल टावर है, 017 मॉडल आपको जो है मिल जाएगा मेरे यहाँ से। ये जो है 72/65 IC के अंदर बनाया, 8 इंची सबवूफर, 90 मैग्नेट, 4 इंची मिड रेंज, 4 इंची ट्यूटर, इसके ऊपर देखें कंट्रोल सारे ऊपर मिल जाते हैं, टोटल वुडन के अंदर रहने वाला है। यहाँ पर देखिए, कहीं पर भी जो इसके अंदर पैनल एक्स्ट्रा यूज नहीं हुआ, टोटल वुडन है। सबसे बढ़िया बात यह कि आपको इसके अंदर कैरियोके का फीचर मिल जाता है, यानी आप सिंगिंग कर सकते हैं, आपको हमिंग बिल्कुल नहीं होगी, डिस्टॉर्शन बिल्कुल नहीं होगी सिंगिंग करते टाइम। और साउंड सिग्नेचर्स की बात करें तो देखिए, सिर्फ आपको एक फ्लो बीट्स ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको जो है साउंड के सिग्नेचर्स भी समझने को मिलते हैं। यहाँ की नहीं, अगर मैं बात करूँ, हम लोग जो है 4 बेस के अंदर डील करते हैं। यहाँ पर आपको रोलिंग बेस मिलती है सबसे पहले, जो कि हमारी मोनोपोली है, यहाँ की नहीं, हीरा सीरीज की शुरुआत जो है, जो पीछे आप जितनी मैंने देख रहे हैं, ये जो है रोलिंग बेस से हुई थी। रोलिंग बेस क्या होता है, जो गाड़ियों वाली बेस की हम फील देते हैं आपको घरों के अंदर, उसे रोलिंग बेस बोला जाता है, जिसके अंदर आपको जो है पूरा पंच के साथ पूरी वाइब्रेशन मिलती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ 017 मॉडल। 017 इसका प्राइस क्या होने वाला है? प्राइस मात्र इसका जो है आपको 3300 है, मगर जो है इस वीडियो के थ्रू जो आएगा उसको 3000 का ये दे देंगे, 3000 में मात्र 3000 का मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको जो है बता दूं कि 72/65 फिर से बोलना चाहूंगा, 72/65 20/50 20 नहीं 72/65 IC है। और बात करें इसके साथ जो है आपको डिलीवरी की, तो कहीं पर भी आप ले सकते हैं डिलीवरी, इंडिया के किसी भी कोने में, या कि नहीं 21,000 पिन कोड हम लोग कवर कर रहे हैं, घर बैठे आप ये ऑनलाइन मंगा सकते हैं। जी हाँ, तो एक बार इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, इसकी भी टेस्टिंग दिखा देते हैं आपको पापा। फ्लो बीट्स। क्या बात है बाजी, क्या बात है, ये जो आपने सिस्टम सुना, ये डीप बेस के अंदर मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा 3000 रुपए में ये मजा मिल रहा है, मात्र 3000 रुपए के अंदर। इसके अलावा आपको सिंगल टावर चाहिए तो आपको दिखा दूं, यहाँ पर देख लीजिए। अच्छा, ये जो है सिंगल टावर आपको ST500, जिसके अंदर आपको 8 इंची सबवूफर, 4 इंची मिड रेंज, 4 इंची ट्यूटर मिल जाएगा। यहाँ सामने आपको डिस्प्ले मिल जाएगी, ये सारे कंट्रोल्स है, पेन ड्राइव जस्ट इसके नीचे, और एयर पाइप देख ली सामने, बहुत वाइड है। हाइट की बात करें तो 38 इंचेस की हाइट है। एक चीज बता दूं कि ये जो है बेस इसके अंदर और इन्हेंस होकर निकलता है। अब इसका क्या मीनिंग है, क्यों इतना इन्हेंस होकर निकलता है, देखिए इसके अंदर जो है बेस का रूम ज़्यादा बनता है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन होती है, समझने की जरूरत है। जब बेस को अंदर जो है ट्रैवल करने के लिए जगह ज़्यादा मिलती है, तो उसके बाद जो बेस इन्हेंस होकर बाहर निकलती है, और आपको एक डीप बेस का जो है एहसास होता है। और इसके बाद जो आप नेक्स्ट मॉडल देख रहे हैं यहाँ पर, ये ST जो है 800 है हमारा, इसके अंदर 4 इंची मिड रेंज, 4 इंची ट्यूटर, सेम 8 इंची जो है आपको
सब ऊपर मिल जाता है 90 मैग्नेट के अंदर। इसका एयर पाइप यहाँ पर देख पाते हैं बिल्कुल डिफरेंट है, कंट्रोल इसके ऊपर रहते हैं जबकि इसके फ्रंट के अंदर है। और कनेक्टिविटी के नाम पे बात करें तो इसके अंदर आपको जो है ब्लूटूथ ऑक्स यूएसबी एफएम रेडियो एलईडी टीवी कनेक्टिविटी रिमोट कंट्रोल और माइक सब कुछ मिलेगा। जी हाँ, और बात करें इसके दोनों के प्राइसिंग की तो ये आपको 4200 का मिल जाता है एसटी 500 और ये जो है आपको मिल जाता है 4300 का, ये 4200 रुपए। और बिल्कुल आप यकीन मानिए 7265 आईसी के अंदर, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 8 इंच के अंदर आपको लोग जो है 2050 आईसी में बना के देते हैं और टोटली जो है वर्स्ट मतलब एकदम घटिया प्रोडक्ट होता है कि यार 2050 आईसी, मैं ये नहीं कहता कि 2050 आईसी बेकार है, मगर जो है परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन की बात करो, एक क्वालिटी चाहिए तो आपको आईसी जो है हैवी में जाना पड़ेगा और कोशिश कीजिए कि हाँ भी चीज़ जो है उसकी कैलिब्रेशन भी होनी चाहिए उसके साउंड की। तो खैर ये चीज़ें मैं आपको आगे ही बताऊंगा। तो ये तो हो गए हमारे सिंगल टावर, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं डबल टावर में। देखिए डबल टावर अगर आपको रोलिंग बेस के अंदर जाना तो डबल टावर मैंडेटरी है, जो वाइब्रेशन की बात करते हैं, जैसे आप देखते हैं गाड़ियों के अंदर, आप गाड़ी के अंदर एक साउंड सिस्टम चल रहा है और आप जो है बाहर खड़े हुए हैं और आप देखते हैं एक वाइब्रेशन पूरी फील आती है, गाड़ी हिल रही होती है, आपको साउंड म्यूजिक का मतलब अगर बेस भरपूर आता है तो आप जो है यहाँ ब्लैक डायमंड स्मॉल हीरा H1 H2 Pro, यहाँ पर हीरा 4 मिनी और मेरा H4 Pro है कि नहीं, हीरा 4 Pro के साथ जा सकते हैं। तो यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग अभी हमारे ब्लैक डायमंड मॉडल की। ब्लैक डायमंड मॉडल टोटली जो है जेड ब्लैक कलर के अंदर, यहाँ पर देखिए देखने वाली चीज है कि क्या नए अंदाज क्या लुक के अंदर आपको मिलता है। यहाँ पर बात करेंगे 4-4 इंची फुल रेंज के स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं। फुल रेंज का मतलब ये होता है कि यहीं से आपको मिड आते हैं या कि नहीं वोकल जो मैं बोल रहा हूँ और यहीं से आपको बीट्स आती हैं या कि नहीं हाई जिसकी हम बात करते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको 6-6 इंच के दो जो है आपको सबवूफर मिल जाते हैं जिसका मैग्नेट 70 नहीं 80 नहीं पूरा 90 मैग्नेट है और इसके अंदर 7294 आईसी है। फिर से ध्यान दीजिएगा कि 2030 नहीं 2050 नहीं 7265 नहीं 7294 आईसी के अंदर आपको ये आपके सामने सिस्टम लेके आया हूँ। और इसके बाद जो है 7.5 mm वुडन की थिकनेस है और यहाँ पर देखेंगे तो कोर्डलेस माइक आपको साथ में देता हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। माइक कैरी करने का ऑप्शन भी इसमें डाल दिया, कैरी करने का भी दिया ताकि माइक कहीं गुम ना हो गिर ना जाए, ये एक ऑप्शन इसके साथ दिया है। और यहाँ पर देखेंगे तो एयर पाइप भी आपको जो है यहाँ पीछे मिल जाता है एग्जॉस्ट, जिससे कि आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेस आता है, एक बढ़िया बेस एनहेंस होकर निकलता है। तो इसकी हम प्राइस की बात कर लेते हैं इसको, मगर उससे पहले प्ले करके आपको दिखाते हैं। ब्लैक डायमंड सुपर। जी हाँ, एक और स्पेशलिटी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों आप लोग जो है हमारे पास आओ, इतना सब कुछ छोड़ के आपके घरों के पास भी स्पीकर्स मिल जाते हैं या यूं कहें कि और भी बहुत लोग हैं मार्केट के अंदर बेचने वाले। सिर्फ क्या होता है कि चीज़ें जो होती हैं जब बनती हैं तो उसके अंदर जो एक्चुअल में जो प्रोडक्ट के अंदर बात करें कॉम्पोनेंट्स की, उसके अलावा कॉम्पोनेंट जो लगाए जाते हैं, फिर उसकी कैलिब्रेशन, देखिए ये कैलिब्रेशन के नाम पर आपको जो है कोई कुछ नहीं कभी इन्फॉर्मेशन दे पाएगा क्योंकि कैलिब्रेशन नाम की कोई चीज़ जो है किसी को पता ही नहीं क्या होती है। आप एक सिस्टम को बनाते हो मगर हार्डवेयर के साथ साथ उसको ट्यून करना पड़ता है सॉफ्टवेयर के साथ, ये बहुत बड़ा अहम रोल है जो आज तक कोई प्ले नहीं कर पाया इंडिया के अंदर, मगर फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर जो है फ्लो बीट्स ने आपको ये करके दिखाया कि हम लोग अपने जो है अपने सिस्टम के साथ जो हार्डवेयर डालते हैं उसके साथ आपको सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करके देते हैं, जिससे कि आपको आउटपुट जो है बहुत बेटर है। आपने देखा हो कई बार मेरी जो बेस है एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है, वोकल बड़े बैलेंस होते हैं और क्लैरिटी के अंदर खासकर मेरा बड़ा ध्यान रहता है। तो एक बार इसको जो है लो वॉल्यूम के अंदर आपको टेस्ट कराता हूं, जो कि 99% जो है जहां सारे सिस्टम फेल होते हैं, आपके घर के अंदर भी होम थिएटर पड़ा होगा, आप उसको स्लो वॉल्यूम के अंदर सुनना, जैसे ही आप उसको स्लो में सुनोगे बेस खत्म हो जाएगा, तो वहीं हम इसको सुनते हैं। तो एक बार टेस्ट करते हैं क्या रहता है। मतलब अगर हम शाम को इवनिंग टाइम में स्लो वॉल्यूम में भी है क्या मजा ले पाएंगे, मजा पूरा आ जाएगा क्योंकि हम लोग 90% स्लो वॉल्यूम में ही सुनते हैं। ये जो है मैं मेरा शौक है सिस्टम को बनाना, मैं बेचने में कोई ज़्यादा बिलीव नहीं करता, मैं एक दिन से जो है 10 से 15 से ज़्यादा सिस्टम जो है नहीं सेल करता, मतलब सिंपल हम लोग बोल भी देते हैं कि भैया इससे ज़्यादा ऑर्डर हम लोग नहीं देंगे, नहीं यही कारण है कि हमारी वेटिंग भी रहती है हीरा 4 प्रो की, जो भी एक नया सिस्टम आता है उसकी वेटिंग चलती है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है बहुत कम काम करके क्वालिटी में बिलीव करते हैं कि आप लोगों तक क्वांटिटी ना पहुंचाए क्वालिटी पहुंचाए। प्राइस की बात करें तो 5200 रुपये इसका प्राइस है, 5200 रुपये साथ में कोर्डलेस माइक बिल्कुल इंक्लूड करके दे रहे हैं, 1000 रुपये का कोर्डलेस माइक बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ, टोटल इसके अंदर आपको 1000 रुपये की सेविंग हो रही है। बाकी बात कर लें आगे, यहाँ पर ये जो है हमारा स्मॉल हीरा
है, स्मॉल हीरा नए लुक में चेंज नई लुक में, जी हाँ ये भी नई लुक में, तो पूरा चारकोल के अंदर आपको डिजाइन इसका इम्पोर्टेड स्किन के अंदर लेके आया हूँ। ये जो है कोई कपड़ा नहीं है या फिर हम बात करें कोई कागज नहीं है, एक तरह का जो है थिन प्लास्टिक है, प्लास्टिक अगर पे पीपी की बात करूं वो है, जिससे कि आप इसको अगर फाड़ के भी देखें तो ये फटेगा नहीं और इतनी जल्दी जो है ये जो है इसके ऊपर कोई इशू नहीं होगा, यहाँ कोई स्क्रैच वगैरह नहीं आएंगे, स्क्रैचलेस भी कह सकते हैं। बाकी आगे बात करें, 4 इंची 2 मिड रेंज कर दिए, इम्प्रूव कर दिए मिड रेंज भी, और 4 इंची 2 ट्विटर कर दिए, और 8-8 इंची के 100 मैगनेट के सबवूफर लगा दिए इस बार इसके अंदर, और RMS वाट इसका जो है 180-150 तक जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एयर एग्जॉस्ट इसके फ्रंट में दिए गए हैं। बाकी सर्किट की बात करें कि क्यों ये जो है आपको रोलिंग बेस या लोअर फ्रीक्वेंसी मिलते हैं इतनी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हम लोग जो है आपको एम्पलीफायर सबवूफर सर्किट देते हैं इसके अंदर, जो ड्यूल चैनल का सर्किट होता है, हमारे जो है बेस का जो है सर्किट वो अलग ड्राइव करता है, और यहाँ पर वोकल ट्रबल का सर्किट जो है अलग ड्राइव करता है। ये एक टेक्निकल चीज़ है, कभी आपको पूरी वीडियो बना के अपने चैनल पे दिखाऊंगा, flowbeats.in पे विजिट कर लेना मेरा यूट्यूब चैनल, वहाँ पर आपको वैसे ही बहुत डीप नॉलेज मिलेगी, बट फिर भी आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के देंगे। तो यहाँ पर आपको जो है ब्लैक डायमंड की बात करें, उसके बाद स्मॉल हीरा आपको मात्र जो है 5,800 रुपये के अंदर मिल जाता है, और इसको आप कहीं पर भी मंगवा सकते हैं। बेसिकली ये उन लोगों के लिए मैंने 2 सिस्टम डिज़ाइन किए हैं जिनको पॉकेट जिनकी अलाउ नहीं करती, मगर उनको मज़ा पूरा चाहिए, हैवी बेस का उनके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है ये, जगह भी कम घेरते हैं, मज़ा पूरा देते हैं, बेस आपको भरपूर देते हैं, मगर प्राइस के मामले में ये आपसे कुछ भी नहीं लेते। तो यहाँ पर दूसरे सिस्टम की बात करते हैं, हमारे तीसरे H1 Pro की, H1 Pro मैं एक बार ऑन कर देता हूँ। H1 Pro की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको ये ड्यूल टावर मिल जाते हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ये ड्यूल टावर आपको मिल जाते हैं, 2 टावर अलग अलग हैं यहाँ, जिसके अंदर आपको 4 इंची के 2 हाइज मिलते हैं और 4 इंची के 2 मिड मिलते हैं। देखिए एक चीज बताऊंगा आपको, मैं थोड़ा डीपली ज्यादा जाता हूँ कि 3 जो है पार्ट में जो है हमारे सिस्टम जो चलते हैं ड्राइव करते हैं। एक होती है हाइज, जब ये जो है हाइज जो है 10 kHz तक जाती है तो ये जो है हमारे बीट्स का काम करती है, उसके बाद मिड होते हैं जो वोकल्स का काम करते हैं, उसके बाद लोज होते हैं यानी 50 Hz की अगर हम बात करें, 30 Hz की या 60 Hz की, तो यहाँ पर बेस जो है वो परफॉर्म करती है, इसको हम लोज बोलते हैं। तो ये हाईज है, ये मिड है, और ये हमारे लोज, इसको हम सब बूफर बोलते हैं। ये सब बूफर आपको 8-8 इंची 100 मैग्नेट के अंदर दिए गए हैं। इसके अलावा इसके अंदर भी आपको कैरियोके ऑप्शन मिल जाता है, सिंगिंग का आप सिंगिंग कर सकते हैं। यहाँ आपको देखिए इसके अंदर पीछे माइक दिया जा रहा है, देखिए यहाँ पर पीछे माइक साथ में रखने की जगह भी है, और यहाँ हम बात करें तो आपको माइक का जो है डिले भी मिल जाता है इसके अंदर, ये एक बहुत बढ़िया फीचर है। TWS का फीचर आपको साथ में मिलता है, कंट्रोल इसके सारे ऊपर रहने वाले हैं। कुछ लोगों की ये क्वारी रहती है कि बेस बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल हो सकती है, जी हाँ बेस भी कंट्रोल हो सकती है, ट्रबल भी कंट्रोल हो सकती है, आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हो। और बात करें इसके अंदर जो है कनेक्टिविटी की, तो ब्लूटूथ ऑक्स USB FM रेडियो LED TV से आप कनेक्ट कर सकते हो, रिमोट कंट्रोल है, माइक सपोर्ट है। और यहाँ पर एक चीज़ और दिखा जाऊँगा, इसके भी एग्जॉस्ट जो है आपको यहाँ पीछे मिल जाते हैं, ये देखिए। और एक ये देखिए आपकी वायर की जो थी एक कमी, वो मैंने दूर कर दी, आप बोलते थे वायर पतली है, तो मोटी वायर दे दी गई है, कनेक्टर ऐसे दे दिया गया, आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने आपको दिखा दी, एक बार इसको हम प्ले करते हैं फिर बात करेंगे इसके प्राइस। क्लैरिटी पहले से, और पहले वाले में क्या था कि 4 मिड थे, इस बार 2 मिड 2 ट्विटर बेस बिल्कुल क्लियर स्मूथनेस वाली। मतलब देखो हम क्या था, जब हम नहीं बनाते थे सिस्टम, हम जब मार्केट में या बाहर किसी दुकान पर सुनते थे, जैसे हम वॉल्यूम फुल कर देते थे तो स्लो में तो बहुत बढ़िया साउंड आता है, वो ऊपर करते ही जो है साउंड फटने लगा, साउंड फटने लगता है। यहाँ पर फुल में एक बार फिर टेस्ट करते हैं, फुल में टेस्ट कर लेते हैं। ये खतरनाक आइटम एकदम। 7500 रुपए सर्विस का प्राइस है, कोर्डलेस माइक के साथ दे रहा हूँ। देखिए स्किन चेंज कर दी, लुक चेंज कर दी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको जो है ये आउटर आपको ब्लैक का पोर्शन मिलता है थोड़ा सा यहाँ फ्रंट के अंदर आपको, और यहाँ ऊपर देखेंगे तो पूरी स्किन आपको पूरी चेंज मिलती है जो चारकोल कलर के अंदर।
हाँ कंट्रोल सारे इसके ऊपर है, तो ओवरऑल मतलब बहुत प्रीमियम कर दिया है हीरा 4 Pro को, H4 Pro को, घर के अंदर रखा हुआ बहुत ही बढ़िया लगता है ये सिस्टम। और प्राइसिंग मात्र जो है आपकी 7500 रुपये, कोर्डलेस माइक साथ में, साथ में मात्र 7500 रुपये में आपको ये मिल जाएगा जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आगे बाजी, नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं हम लोग H2 ये लगभग कुछ एक जैसे ही है देखने में, कुछ थोड़ा सा ही डिफरेंट लग रहा है मेरे को। जी हाँ, यहाँ पर डिस्प्ले सेंटर में, यहाँ डिस्प्ले ऊपर है, इसकी विड्थ कम है, इसकी विड्थ ज्यादा, ये खाली ध्यान रखना। और 10-10 इंची 2 सबवूफर है, 120 मैग्नेट, और हीरा 1 Pro के अंदर जो है 8 इंची है 100 मैग्नेट, तो दोनों में फर्क है साइज का, और बेस का भी फर्क है। बहरहाल बेस बहुत शानदार है, आपको पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। 32 इंच हाइट है, ड्यूल टावर है, एम्पलीफायर सबवूफर सर्किट है, ड्यूल चैनल सर्किट। मैं आपको क्यों बताता हूँ, क्योंकि ये सर्किट जो है ना, आप नॉर्मल जितने भी सिस्टम देखते हैं उनके अंदर सर्किट एक जैसे चाइना से बन के निकल के आ रहे हैं, सब उसी को जो है परचेज कर करके लगा रहे हैं, या फिर जो है अपने कुछ भी जो है वो हल्का फुल्का कंपोनेंट्स को इधर उधर करके जो है एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं, पर हमारे जो है सर्किट जो है पूरे डेप्थ में जाके, जिसको हम बोले, उसके अंदर जो है उसकी साउंड के स्ट्रेटर्जी को मिला के, फिर उसकी जो है पूरे कंपोनेंट को हम लोग अपने कंपोनेंट को जो है पूरे एक्यूरेसी के साथ लगाने के बाद एक सर्किट को डिज़ाइन करके निकालते हैं कि कहाँ हमने कैसा साउंड आपको प्रोवाइड करवाना है, फिर बाकी जो बची कुची जो चीज़ें होती हैं वो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू इसके अंदर जो लेके आते हैं। तो यहाँ बात करें, इसके अंदर आपको 2 mid-range 2 highs मिल जाते हैं 4-4 इंची के, और यहाँ 10-10 इंची 120 mm सबवूफर। इसके अंदर आपको 7294 IC के अंदर ड्यूल एम्पलीफायर सबवूफर सर्किट मिल जाता है, 11.5 mm वुडन की थिकनेस रहती है। वुडन की थिकनेस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि यहीं से सारी चीज़ें तय होती हैं कि साउंड जो है बेस कैसा निकल के आएगा इसके अंदर। और बाकी कोर्डलेस माइक इसके साथ भी मिल जाएगा, कैरियोके का फीचर मिल जाएगा, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है, 5.2 जो है इसका एडवांस वर्जन है ब्लूटूथ का, जिससे कि आपको लेटेंसी बिल्कुल नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा स्मूथ आएगा। ये नहीं है कि यूट्यूब के अंदर जो है लिपसिंग कहीं और चल रही है और साउंड कहीं और चल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसके अलावा हाइट 32 इंच है, तो एक बार इसको प्ले कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी प्राइसिंग की बात करेंगे, साउंड भी चेक कर लेते हैं। और एयरफोन या आप ब्लूटूथ जो यूज़ करते हैं आप लगा लीजिए, ताकि उसका जो साउंड उसको आप फील कर पाए। तो करते हैं इसका साउंड को पहले, पाजी प्ले कर दीजिए निकालना। आपने साउंड सुना, वाइब्रेशन सुनी, जो पंच सुना, ये हीरा 2 प्रो का। मैं एक बार आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ प्राइस के अकॉर्डिंग आप कोई भी सिस्टम का साउंड सुनिए, उसके बाद कहीं भी चले जाइए, किसी का भी आप साउंड सिस्टम सुन लीजिए, आपको फर्क पता लगेगा। या ईयरफोन लगा के मेरा चेक कीजिए और बाकी का चेक कीजिए, आपको पता लग जाएगा क्या फील अपने आप निकल के आती है अंदर, क्या फील हम आपको देते हैं और क्या प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। तो एक बार इसको स्लो वॉल्यूम के अंदर भी सुन लेते हैं, जो कि फ्लो बीट्स की पहचान है, तो स्लो में कैसे चलता है इसमें बता देते हैं। तो लोज भी आपको सुना दिए, बेस भी आपको सुना दी, और आपको जो है क्लैरिटी, जो मैंने एक आपसे वादा किया है कि क्लैरिटी भी आपको पूरी दूंगा, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे सिस्टम की जो USP है वो ये होती है कि आप जितनी दूर मेरे होम थिएटर से जाते रहेंगे, यहाँ की नहीं, जब आपके घर बज रहा है तो दूर वाले घर को या साथ वाले घर को ज़्यादा महसूस होती है बेस या वाइब्रेशन। भाई बेस की उससे बचने के लिए तो ये लगाई हुई है, ये जी लगाई। बाकी जो रवि भाई वीडियो बना रहे हैं, आपके पास भी हीरा 2 ही पहुंचा हुआ है भाई, वो इतने टाइम से यूज कर रहा हूँ, 1.5 साल हो, 1.5 साल से ऊपर हो गया उसको। एक्चुअली क्या है कि मेरे यहाँ 40 से ज्यादा यूट्यूबर्स आते हैं, कम से कम 25 से 30 यूट्यूबर्स को मैंने सिस्टम दिया है अपने यहाँ से, तो मतलब मेरी तो वीडियो भी डली हुई है, आपकी वीडियो भी डली है। हाँ, तो ये यार एक चीज रहती है। चलिए कोई नहीं, हम काम करते हैं। के गेट्स भी हिले हुए हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वीडियो भी देख लेना दोस्तों। जी हाँ, तो एक बार बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। हमारे पास ये कौन सा मॉडल है पाजी? ये है हमारा H4 mini, मतलब हीरा 4 mini हमारे पास है ये। अब इसको निकालने का रीजन क्या है कि जैसे मैंने हीरा 4 प्रो टेस्टिंग यहाँ पर दी, कुछ लोगों ने बोला कि सर यार जैसे कॉस्ट अबव है, हर कोई नहीं इसको जो है अफोर्ड कर पाता, मगर चीज जो है इस प्राइस रेंज के अंदर भी नहीं मिलेगी आपको, ये भी दावा है। बिल्कुल, मतलब मैं बता रहा हूँ कि 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 1,00,000 तक के प्रोडक्ट से आप इसको कंपेयर कर दो, मतलब फेल करके ही आएगा। बात करूंगा साउंड बेस और क्लैरिटी, ये सबकी बात करूंगा मैं ओवरऑल। मैं ये नहीं बोलूंगा मेरे सामने एक शोर ला के रख दो और आप बोलो देखो पाजी कितना शोर मचा रहा है ये, वो नहीं। वो नहीं चाहिए साउंड के साथ में, वो क्लैरिटी में, कोई इससे कोई भी बीट करवा दो चीज़,
मैं मान जाऊंगा प्रोडक्ट ये वाला बेचना बंद कर दूंगा और फिर से जो है वर्क करूंगा कि कहाँ मेरे में कमी रहेगी, मैं उसके ऊपर फिर ध्यान दूंगा। तो बात अभी फिलहाल करते हैं यहाँ H4 Mini की। H4 Mini जो है इसीलिए जन्म हुआ क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि इसका भी एक वेरिएंट आए हीरा 4 का, तो ये वेरिएंट लेके आए हैं और जिसके अंदर आपको 4 इंची 2 मिड रेंज, 4 इंची 2 ट्विटर, सबसे बड़ी बात RGB लाइट्स के साथ लेके आए हैं। आपको बोला था कि चीप लाइट नहीं दूंगा, सस्ती लाइटें नहीं दूंगा, LED बल्ब नहीं दूंगा, RGB लाइट के साथ देखिए लेके आया हूं। और साथ ही 8-8 इंची 4 सबवूफर 100 मैग्नेट के अंदर, 100 मैग्नेट MOSFET सर्किट के अंदर। ये है सबसे अच्छी बात, ये है कि लाइट्स के आप मोड जो है अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यार ये लाइट पसंद नहीं है तो दूसरी कर लो, तीसरी कर लो, चौथी कर लो, पांचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं बंद भी कर लो, सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं इसके अंदर। और MOSFET सर्किट के अंदर है 5200 तोशिबा के MOSFET लगे हैं इसके अंदर, तो जाहिर सी बात है तो पावर तो बहुत होनी है। इसके अलावा क्लैरिटी का जो आपको पता ही है मैं खास ख्याल रखता हूँ। एयर पाइप देखिए कितने वाइड दिए गए हैं, बहुत ही सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट लेके आया हूँ ये वाला, मतलब बहुत ही बढ़िया लुक के अंदर, इसको बोलते हैं ना एलिगेंस लुक, वो चीज़ आपको दिखाई है मैंने यहाँ पर। कहीं पर भी इसके अंदर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं चटक मटक लाके कुछ भी दे दिया, यहाँ लिख दिया, वहाँ कुछ लिख दिया, नहीं, सिंपल सोपर सिर्फ एक फ्लो बीट्स की यहाँ पर ब्रांडिंग। और टोटली सेट जो है जेट ब्लैक के अंदर मैट ब्लैक के साथ यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पर ग्लोसी टोन मिल जाती है ब्लैक की। कंट्रोल जो है देखिए इसका ऊपर दिया गया है आपको, वहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ आपको जो है हल्का सा मिरर दिखता है जिसके अंदर आपको ये आप वॉल्यूम इसको प्रेस करेंगे तो आप बेस कंट्रोल कर पाएंगे, इसको प्रेस करेंगे तो ट्रबल कंट्रोल कर पाएंगे, इसको प्रेस करेंगे तो ये इको कंट्रोल कर पाएंगे। माइक क्योंकि कैरियो के है तो आप माइक का कंट्रोल, माइक आपको अपना परचेज करना पड़ेगा ये ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा ये माइक का वॉल्यूम, इसके अलावा ये देखिए ये एक नया फीचर है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं कि आप जैसे सिंगिंग कर रहे हो अगर आपको चाहिए कि म्यूजिक मेरे को डाउन करना है और अपना माइक का वॉल्यूम अप करना है तो वो वहां से। और यहाँ पर एक चीज और है, माइक का डिले भी आपको मिल जाता है, ये देखिए डिले भी आपको मिल जाता है। तो ये दो फीचर एक्स्ट्रा दिए गए हैं और साथ ही साथ मेरे जितने भी सिस्टम है सबके अंदर आपको TWS का फीचर मिलता है, ट्रू वायरलेस स्टीरियो। अब आप पूछेंगे क्या होता है, ये सिस्टम चल रहा है मेरे को इसके साथ ये चलाना है तो मैं चला सकता हूँ, ये सिस्टम चल रहा है इसके साथ मेरे को ये चलाना है तो मैं दोनों को चला सकता हूँ, मतलब मेरी हीरा सीरीज आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ये सबसे बड़ा फीचर है जिसको वायरलेस कनेक्टिविटी बोलते हैं। तो एक बार प्ले कर लेते हैं हम अपना H4 Mini और इसका साउंड को फील करते हैं। जो एयरफोन से आप ब्लूटूथ आप लगा लीजिए, एयरबड्स लगा लीजिए ताकि आपको दोनों तरीके से साउंड फील हो, लो और हाई में। स्टार्ट करते हैं पाजी, प्ले कर दीजिए एक बार आप। क्या बात है मेरे भाई, मतलब हर चीज में कुछ स्पेशल डाल के रखा हुआ है। H4 Mini जिसको आप बोलते हो, प्राइस की बात करें तो 9500 है, मात्र 9500। मैं खासे H2 Pro का मैं प्राइस बता दूं आपको 8500 रुपए, अगर नहीं 8500 रुपए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या सिस्टम होने वाला है, जो है हमारा सुपर बीस्ट मॉडल जिसकी बात करते ही जो है मतलब हीरा 4 प्रो जी। इसकी भाई लुक और दूर से लगता है कि हाँ यार ये इतना बल्की और इतना हैवी है ना कि सोचने से ही पता चल जाता है कि ये धमाका करेगा। अभी तक की बात करूं तो इंडिया के अंदर मेरे ख्याल से इससे ज्यादा विड्थ के अंदर कोई टावर स्पीकर नहीं बने होंगे। चौड़ाई की बात करें तो 10.5 इंची चौड़ाई है। और एक और चीज दिखाना चाहता हूँ कि अभी तक इससे बड़ी हीट सिंक इंडिया के अंदर किसी ने लगाई, इंडिया की सबसे बड़ी हीट सिंक इसके अंदर लगी है। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी हीट सिंक लगाई गई है और HDMI का पोर्ट साथ में दे रहा हूँ, कंट्रोल सारे पीछे आपको मिल जाते हैं। और आगे बात करते हैं इसकी कॉन्फिगरेशन की, इसमें तो मतलब ऑल इन वन सारे फीचर्स हैं जितने भी चाहिए आपको सब। वजन कितना होगा ये बताओ, देखने से लग रहा है यार ये 50 किलो 50 किलो 50 kg वेट है इसका। ओ भाई 50 kg वेट, ड्यूल टावर के अंदर 6-6 इंची 2 मिड रेंज, 4-4 इंची ट्विटर और 4-4 इंची लोअर मिड रेंज की बात करें। देखिए मिड रेंज भी यहाँ दो पार्ट में डिवाइड कर दी, यहाँ की नहीं, क्लैरिटी की बात करूं तो इतना ज्यादा मैं डीप जा रहा हूं कि दो तरह की आपको जो है लोज मिड और हाई अपर मिड दे रहे हैं। उसके अलावा 10-10 इंची 4 सबवूफर 135 मैग्नेट के 9.5 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर, कहीं पर भी बेस के अंदर ड्रॉपेज ना आए, लैगिंग ना आए आपको। और बात करें आगे सॉफ्टवेयर की, इसके साथ आपको ट्यूनिंग मिलती है, कैलिब्रेट किया गया है विद AI टूल की सपोर्ट से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सॉफ्टवेयर के अपडेट आपको साथ साथ दूंगा इसके अंदर हर 6 महीने बाद। और आगे बात करें तो प्रोग्रामिंग IC का इस्तेमाल किया गया इसके अंदर,
बेस इतनी हैवी देने के साथ साथ जो है वोकल कहीं पर भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ट्रबल आपको एकदम प्रॉपर आएगी। 13.5 mm प्लस वुडन की थिकनेस है, और वो भी वुडन ऐसी है कि इसके साथ आपके जो नेल का इस्तेमाल किया गया ताकि वुडन कहीं पर खुले ना। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए H4 Pro का जो है इस बारी जो है डिजाइन आपके सामने रखा गया है। और मैं क्या बोलता था कि 135 करोड़ की जनता में आप बिल्कुल हटके हो, मैं ये बोलना चाहूंगा पूरे वर्ल्ड के अंदर आप हटके हो जिसके अंदर हीरा 4 Pro जिसके पास पड़ा हुआ है और 45 डेज की वेटिंग के अंदर है। तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम स्लॉट के हिसाब से अपनी बुकिंग जरूर करवा लीजिए ताकि आपको वेटिंग का सामना ना करना पड़े। तो एक बार प्ले करते हैं सुपर बीस्ट मॉडल हीरा 4 Pro और साउंड को फील करने के अलावा एयरपॉड्स, ईयरबड्स, ईयरफोन जरूर यूज करो ताकि आप साउंड को फील कर पाओ, और दोनों तरीके से साउंड को चेक कराएंगे हाई और इसके नए एल्बम में है खतरनाक बीट्स, दर्दनाक ड्रॉप्स और कितना ज्यादा प्रेशर होता है उस कुंडी पर, दिख रहा है जी। हाँ, एक और चीज आपको दिखाते हैं यहाँ पर, फिर आपको बाहर से भी इसकी टेस्टिंग लेंगे, यहाँ पर दिखाते हैं कि क्या इसकी जो है कारीगरी है सिस्टम की। यहाँ देखिए, ये जो है मैंने इसको यहाँ रख दिया प्रॉपर। अब इसको देखते हैं कि एक बार प्ले करो कैसे ट्रैवल करता है ये। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी मैंने ये शीट्स लगाई है। एक बार आपको बाहर का नजारा दिखाते हैं कि बाहर क्या होता है जब ये चलता है। देखो अभी अंदर ये इसलिए लगाई है ताकि इसकी जो बेस है उसको रोका जा सके, तो 40% बेस को ये रोक लेता है। अब उसके बावजूद भी बाहर आप देखना कि क्या नजारा निकल के आएगा। चलिए बनाया कैसे है क्या लगा रखा है इसके अंदर भाई, के सारी हसरतें पूरे कर दी इसको बनाने के लिए। इसके बाद कोई जरूरत भी नहीं पड़ती किस चीज के लिए, इसके बाद नहीं कुछ हो सकता। और जो है इसको सुनने के लिए भी कलेजा चाहिए। मैं ये घर में तो बज ही नहीं सकता, ऐसा बनाया क्यों है फिर, घर में तो कोई बजा ही नहीं सकता। नहीं नहीं, आप कम आवाज करके बजाओ या फिर कभी किसी कोई आपका चैलेंज आ जाए वो बात है। डीजे वीजे बुक करने की जरूरत नहीं, एक बार जिसके घर में भाई प्रो है। मेरे से यार ये भी पूछते हैं कि ये तो डीजे में काम करते थे कि डीजे के अंदर क्या होता है, आपको क्लैरिटी नहीं मिलती कभी भी। ये सिस्टम के साथ आपको क्लैरिटी मिलती है। एक दो सॉन्ग प्ले करता हूं, जितनी भी आपकी शादी पार्टी या छोटे मोटे फंक्शन जितने भी होते हैं उसमें आप 4-5 हज़ार रुपए जो पे करते हो वो आपके अच्छे तरीके से सेविंग हो रहे हैं। अभी देखिए आपके पास, देखो हीरा 4 Pro म्यूजिक प्ले करते हैं आप उसके अंदर क्लैरिटी नहीं है। देखो फ्लो बीट्स क्लैरिटी भी देता हूँ। तो ये चीज जो है आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए जो है हमेशा इतनी अंदर बैठने के बावजूद भी मेरे साथ म्यूजिक लवर मुझे ढूंढ के यहाँ पर पहुंचते हैं, और मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जो लोग 3-3 हज़ार किलोमीटर का सफर, मतलब सियाचिन से लोग -40 डिग्री के अंदर जॉब करके सीधा मेरे यहाँ पर, ऐसे भी किस्से हैं कि लोग यहाँ पर आए हैं आगरा से साइकिल पे मेरे पास कस्टमर आया है सिस्टम लेने के लिए, और इवन के लोग कनाडा से सीधी फ्लाइट लेके उतरते हैं और सीधे यहाँ पर आते हैं उसका सिस्टम लेके पंजाब पहुंचते हैं। तो ऐसी ऐसी अचीवमेंट है जो
फ्लो बीट्स ने जो है हासिल की है। और दिल्ली के अंदर कोई ऐसा डिप्लोमेट नहीं, अगर मैं बात करूं बड़े से बड़ा जो है ऐसी कोई सरकारी संस्था नहीं जहां पर हमने सिस्टम ना दिए हो, बस ये जो अचीवमेंट है ये सिर्फ फ्लो बीट्स के पास है, इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, तो भाई अगर कोई विजिट करना चाहते हो एड्रेस कंफर्म करा दो, 87 रवि नगर एक्सटेंशन गली नंबर 4 लैंडमार्क मेरा केशवपुर सब्जी मंडी गेट नंबर 1। और इसके अलावा मेट्रो स्टेशन अभी का ब्लू लाइन है सुभाष नगर, बाकी नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन एक बन रहा है, जब वो रेडी होगा तो वो बताएंगे। बाकी गूगल मैप के ऊपर सर्च कीजिए फ्लो बीट, सीधा मेरी लोकेशन पे आ जाओगे। ये दो नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं, ये जो है नंबर उनके लिए जो लोग होम थिएटर खरीदना चाहते हैं। बाकी एलईडी का भी अपना स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर देख लीजिए एक बार, एलईडी भी आपको जो है हर तरह के मिल जाएंगे, वेब हो अच्छा हो चाहे वो मिल जाएंगे 4K। सबसे बढ़िया बात यह कि रिकॉग्नाइज जो ऐप के साथ में देता हूँ आपको, कॉपी ऐप नहीं देता कि जो जिसके अपडेट आपको ना मिले। और IPS पैनल भी ड्यूल होता है, इलेक्ट्रोड जो है सारी तरफ से 100% वर्किंग होते हैं, फेडेड नहीं होगा। और बता दूँ 0.8A+ ग्रेड का पैनल होगा, सारी जितनी भी LED अगर आपको चाहिए LED TV भी भाई के पास यहाँ पे मिल जाएंगे, आराम से आप यहाँ से परचेजिंग कर सकते हो। पाजी LED TV और होम थिएटर की ऑनलाइन डिलीवरी अपने पास अवेलेबल है, ऑनलाइन डिलीवरी अवेलेबल है। और इसके अलावा एक चीज बता दूं आपको कि मैं कॉम्बो भी बना के देता हूँ और उसके अंदर आप बेस्ट डील मिलती है आपको, यानी बेनिफिट का कॉम्बो मिल जाएगा जी हाँ, आप अच्छी अच्छी सेविंग कर सकते हैं, यानी किसी बड़े टीवी में 7 से 8 हज़ार, किसी में 10 हज़ार, किसी में 2 हज़ार, किसी में 3 हज़ार, ऐसी आप सेविंग भी कर सकते हो। और अपने पास अगर कोई विजिट करना चाहे तो टाइमिंग किस टाइम से किस टाइम, 11 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक, सारे दिन। संडे वाले दिन जो है हमारा हाफ स्टाफ होता है, यानी आप विजिट करना चाहें तो 12 से 6 के बीच में कर सकते हैं, उस दिन कॉल नहीं पिक होती संडे वाले दिन। और दूसरी बात यह कि मैसेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि जो सीरियस बायर है वही मैसेज किया कीजिए, काफ़ी टाइम पास होते हैं तो वो थोड़ी सी मेरे लिए दिक्कत होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो लेने वाले कस्टमर है वो कहीं ना कहीं छोड़ जाते हैं और वो हमें फिर जो है बोलते हैं कि इन्होंने बेचना नहीं है, ये जो है रिप्लाई नहीं करते, सिर्फ इन्हीं वजह से होता है। तो प्लीज़ जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए मैसेजेस करते वक्त। ओके भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।